SDN न्यूज़ की बात आपके साथ। आगामी 3 मार्च को होने वाली NDA की रैली को लेकर लोजपा की बैठक संपन्न। पूर्णिया जिला अध्यक्ष माधव सिंह की अगुवाई में हुआ आयोजन। स्थानीय कला भवन में एकजुट हुए पूर्णिया लोजपा के कार्यकर्ता, पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक जोड़े गए कार्यकर्ता, बड़े संख्या में कार्यकर्ताओं ने ग्रहण की पार्टी की सदस्यता, सबने लिया बैठक में हिस्सा। आगामी 3 मार्च को गांधी मैदान में होगी NDA की रैली, प्रधानमंत्री करेंगे रैली को संबोधित। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को NDA के द्वारा संकल्प रैली का आयोजन किया गया है, और संकल्प रैली पटना के गांधी मैदान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी सहित राजग के जितने वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इसमें भाग लेंगे। संकल्प का जो हम लोग का कार्यक्रम होगा गांधी मैदान में, हम लोग सभी कार्यकर्ता पंचायत स्तर से लेके बूथ स्तर तक लेके जिला स्तर के जितने हम लोग NDA के कार्यकर्ता हैं, खास करके लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उस महासम्मेलन में महाकार्यक्रम में पटना जाने का काम करेंगे। और भारी संख्या में हम लोग आज पंचायत स्तर पर बूथ स्तर पर एक कार्यकर्ता का गठन किए हैं। उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग एक कमेटी भी बनाए हैं, जिसमें तीनों दल के कार्यकर्ता मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग आज से जन जागरण अभियान चलाएंगे और पटना के गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग यह कार्यक्रम आज बुलाए हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ता जो केंद्र सरकार की योजना है, बिहार सरकार की योजना है, उसको जन जन तक पहुँचावें, आदमी को बतावें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे विकास पुरुष आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी ने आप लोगों के लिए जो काम किया है, जो योजना चला रहा है, इसके लिए आप लोग जन जन तक पहुंचाइए। और 3 मार्च को जो गांधी मैदान में संकल्प महारैली का आयोजन किया गया है, उसमें हम लोग अधिक से अधिक संख्या में चलें। इसी के लिए हम लोग आज एक सभी कार्यकर्ता को यहाँ पर बुलाए हैं और इसका हम लोग बैठक कर रहे हैं।